श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। लखपत भंडारी ने खुद एसडीएम कार्यालय में किया है बंद। जिला पंचायत सदस्य हैं लखपत भंडारी। अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की गई है। उचित कार्रवाई न होने पर जहर खाने की धमकी भी दी गई है। जहर खाने की धमकी उनकी तरफ से दी गई है। सूचना के बाद मौके पर जिला प्रशासन मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है श्रीनगर से, जहां पर लखपत भंडारी ने खुद एसडीएम को कार्यालय में बंद किया है। जिला पंचायत सदस्य हैं लखपत भंडारी। अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानें बंद कराने की इनकी तरफ से मांग की जा रही है और उचित कार्रवाई न होने पर जहर खाने की धमकी भी इनकी तरफ से दी गई है। तो लखपत भंडारी की सूचना के बाद मौके पर जिला प्रशासन मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है श्रीनगर से, जहां पर लखपत भंडारी ने अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है और उनकी तरफ से कहा गया कि अगर प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वो जहर खा लेंगे। जहर खाने की धमकी भी उनकी तरफ से दी गई है, जिसके बाद मौके पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, मीट की दुकानें बंद कराने की मांग को लेकर लखपत भंडारी की तरफ से जहर खाने की एक तरह से धमकी भी दी गई है। जी बिल्कुल, जहर खाने की धमकी दी गई है और साथ ही खुद को उन्होंने एसडीएम कार्यालय में बंद कर लिया है। प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं कि किस तरीके से उन्हें मनाया जाए और वहां से कार्यालय से बाहर निकाला जाए। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई जबरदस्ती कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उनके हाथ पर जो जहर की एक पुड़िया है उसे वे निगल लेंगे और यहीं पे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। लखपत भंडारी की मांग है कि जो नगर क्षेत्र के अवैध मीट की दुकानें हैं जो प्रशासन ने बंद करवा दी थी, बावजूद उसके वो कैसे फिर से दोबारा संचालित हो रही है, इस पर कार्रवाई की जाए और उन्हें जो है तत्काल बंद करवाया जाए। इस मांग को लेकर वो लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगे भी रख रहे थे, लेकिन जब ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने इतना बड़ा कदम एक उठाने के लिए अब सीधे तहसील प्रशासन में पहुंचे हैं और यहां से खुद को एसडीएम कार्यालय में उन्होंने बंद कर लिया है। ठीक है कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लखपत भंडारी की तरफ से अवैध रूप से चली दुकानों को बंद कराने की मांग की जा रही है, अगर प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने जहर खाने की धमकी भी दी है।